एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित कान्हा नगला गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 9 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान परमेंद्र सिंह है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1566 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 55 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में वर्तमान प्रधान द्वारा सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 30 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल व 3 विद्युत ट्रांसफार्मर गाँव में लगवाए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी ट्यूबवेल, बारात घर, सीसी रोड तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान प्रतिनिधि हूँ और अब तक ये जो धन हमें मिला है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, हमने उसका सारे धन का जो है सदुपयोग किया है, चाहे वो सीसी रोड हो या शौचालय हो या और भी जो धन मिला है सबका सदुपयोग हुआ है। गाँव में जो है लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। अब तक यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा रहता था, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है एक तो स्वास्थ्य केंद्र को सरकार प्राथमिकता से ले और हमें जो है धन थोड़ा सा रिलीज कराए जिससे हम एक स्वास्थ्य केंद्र बनवा पाए गाँव में। और यहाँ पर आंगनवाड़ी का भी कोई कक्ष अभी तक नहीं बना हुआ है। गाँव में पहले से व्यवस्था ज़्यादा ख़राब है, खड़ंजा ज़्यादा है तो उसकी वजह से पानी भरा रहता है सड़कों में। तो सरकार से, बस केंद्र और राज्य सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन रिलीज कराएं जिससे हम गांव का विकास करा सकें। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से करा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार गांव के लिए फंड दुरुस्त कराए जिससे गांव में रुका हुआ विकास कार्य संपन्न हो सके। जिले का निवासी हूं, नाम पवन कुमार, और हमारे गाँव के जो प्रधान परमिंदर कुमार सिंह है उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है हमारे गाँव में। और जो ये शौचालय बने हैं बहुत अच्छा निर्माण का कराया है बहुत अच्छे तरीके से। और हम चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा जो धन मिले और गांव का विकास हो।